माय चैनल, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यूपीपीएससी की साइट ओपन है और यूपीपीएससी ने जैसे ही एलटी ग्रेड के परीक्षा को पोस्टपोन करने का घोषणा की वैसे ही उन्होंने नया कैलेंडर भी जारी कर दिया। तो जी हाँ, एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका है यूपीपीएससी का। तो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जो आपको शो रहा होगा एग्जाम कैलेंडर 2018 विजिबल अप टू 31/12/2018। तो आप ऑफिशियल यूपीपीएससी की साइट पर जाकर भी आप इस एग्ज़ाम कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको मैंने लिंक भी दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक कर भी आप इस एग्ज़ाम कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप एग्ज़ाम कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो आपको ये डाउनलोड करने को बुलाएगा और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो आपका जो कैलेंडर है वो ओपन हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यूपीपीएससी का जो कैलेंडर है वो ओपन हो चुका है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2018 के आगामी अर्धवार्षिक माह जुलाई से 2018 से माह दिसंबर 2018 तक में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर निम्नवत है। तो सबसे पहले ही आपको एलटी ग्रेड की परीक्षा के बारे में दे रखा है कि सहायक अध्यापक पुरुष संवर्ग एवं सहायक अध्यापिका महिला संवर्ग परीक्षा 2018 जो होगी वो 29 जुलाई को होगी। तो आपको अब 29 जुलाई के अनुसार अपनी तैयारी को जारी रखना है, अब किसी भ्रम में नहीं पड़ना है। तो 29 जुलाई जो है वो तारीख आ चुकी है, अब कैलेंडर में पूरा शो हो चुका है, आपको पता चल गया है कि जो परीक्षा है वो अब 29 जुलाई को होगी। तो आप अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखें, उसको बीच में ना रोकें। साथ ही जो दूसरा पेपर होगा वो होगा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ आदि सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी कि यूपीपीसीएस का, जो 19 अगस्त को है। अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय तृतीय चरण कंप्यूटर ज्ञान का जो पेपर होगा वो 29 अगस्त को होगा। सहायक वन संरक्षक वन क्षेत्राधिकारी मुख्य परीक्षा जो होगी 10 से 20 सितंबर को होगी। प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2017-23 सितंबर को होगी। सहायक होम्योपैथी आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी की जो परीक्षा होगी वो 30 सितंबर को होगी और सहायक कुल सचिव परीक्षा 7 एवं 8 अक्टूबर को होगी और राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 28 अक्टूबर को होगी और सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2014-11 नवंबर 2018 को होगी। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि मुख्य परीक्षा 25, 26 एवं 27 नवंबर को होंगी और सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2018-16 दिसंबर को होगी। तो ये जुलाई से दिसंबर तक के माह में होने वाली परीक्षाओं का अर्धवार्षिक कैलेंडर है और इसके अकॉर्डिंग ही परीक्षाएं होंगी। अब उम्मीद करते हैं कि कोई भी परीक्षा ना टाली जाए। अब 29 जुलाई जो सहायक अध्यापक की परीक्षा है वो 29 जुलाई ही रहे और जब तक जितने भी केस चल रहे हैं वो फाइनल हो जाए और सबके मन से जो संशय है वो दूर हो जाए और परीक्षा ज़रूर होगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, ऐसा नहीं है चाहे केस कोई भी मोड़ ले, परीक्षा ज़रूर होगी। 29 जुलाई को संभव है, 29 जुलाई को ही होगी। तो आपको अपनी तैयारी 29 जुलाई के अकॉर्डिंग ही करनी है। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।